किसान भाइयों, बाजरा एक अनाज वर्गीय फसल है। भारत में करीबन 85 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में बाजरे की फसल उगाई जाती है, जिसमें से 85% क्षेत्रफल महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों से आता है। भारत में उत्पादित बाजरे का 44% जितना बाजरा राजस्थान में से आता है। यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र और गुजरात 15% योगदान देने वाले अगले प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। ये जो बाजरा होता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है और इसके अलावा बाजरा पशुओं के पौष्टिक चारे के उत्पादन के लिए भी उगाया जाता है। दोस्तों, केंद्र सरकार अनाज वाली फसल लगाने के लिए प्रेरित कर रही है। भारत में 11 फसल को मिलेट्स वाली फसल में गिना गया है और 2023 को इंटरनेशनल मिलेट वर्ष के रूप में जाहिर किया था। क्या आपको पता है कि गेहूं व चावल की तुलना में बाजरे में आयरन अधिक मात्रा में होता है। पोषण की दृष्टि से बाजरे के दानों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम और विटामिन B6 की अधिक मात्रा पाई जाती है। बाजरा की फसल जायद और रबी दोनों सीजन में उगाई जाती है। आज हम वीडियो में बात करेंगे कि जायद में बाजरा कब लगाना चाहिए, उनमें कौन से खाद देने से अच्छी उपज मिलेगी, बुवाई के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी, ये सारी बाजरे की उन्नत खेती की डिटेल में जानकारी देंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं रुचिता पटेल हमारे YouTube चैनल महाकाल एग्रो में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लीजिए ताकि दूसरे हमारे किसान भाई भी जायद बाजरे की खेती के बारे में जान सके। बाजरे के बारे में एक और अगत्य जानकारी, बाजरा कैंसर, डायबिटीज और हृदय रोगों को रोकने में मदद करता है और बाजरा मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत भी है। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जायद बाजरा की खेती के लिए फरवरी और मार्च महीना काफी बढ़िया माना जाता है। यदि आप गर्मी शुरू होने पर बाजरे की खेती करते हैं तो वो सबसे अनुकूल समय है, क्योंकि जायद में बाजरा के लिए अनुकूल वातावरण होने से दाने के रूप में उगाते हैं, वो चारे के लिए भी इसकी खेती की जाती है। सिंचाई की व्यवस्था होने पर आलू, सरसों, चना, मटर के बाद बाजरा की खेती से अधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। अब बात करते हैं कि बाजरे की खेती के लिए खेत कैसे तैयार करना चाहिए। बाजरे की फसल आप काली दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मिट्टी में कर सकते हैं। खेत की तैयारी के लिए 3 ट्रोली गोबर की खाद मिट्टी में मिक्स करके कल्टीवेटर से जुताई करके खेत को समतल कर लेना चाहिए। बाजरा की बुवाई के लिए 2 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर आप छिड़काव विधि से बुवाई करते हैं तो 3 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी और अगर सीड ड्रिल मशीन से बुवाई करते हैं तो उससे भी कम बीज की आवश्यकता होगी। बीज की बुवाई से पहले बीज उपचार के लिए ट्राइकोडर्मा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम या फिर कार्बन डीजम 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP का 3 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। इससे जर्मिनेशन और अंकुरण अच्छा देखने को मिलता है, तो बीज उपचार जरूर करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि बाजरे की बुवाई के समय कौन से खाद देने चाहिए जिससे पैदावार अच्छी मिले और फसल में विकास वृद्धि अच्छी हो। ज्यादातर किसान भाई बाजरे की बुवाई के समय एक ही खाद देते हैं, पर आपको बुवाई समय DAP 50 किलोग्राम प्लस MOP 20 किलोग्राम प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट्स 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर से मिक्स करके खाद बिखेर के बुवाई करनी चाहिए। बुवाई के 25 से 30 दिन बाद अच्छे विकास के लिए अमोनियम सल्फेट खाद 40 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए, जिससे फसल में बढ़वार होगी और बाजरे की क्वालिटी भी अच्छी होगी। बाजरे की बुवाई 2 विधि से होती है, पहली है छिड़काव विधि और दूसरी है सीड ड्रिल मशीन। जो किसान छिड़काव विधि से बुवाई करते हैं उनके लिए पौधे के डिस्टेंस की जरूरत नहीं होती है, पर अगर आप सीड ड्रिल मशीन से बुवाई करते हैं तो पौधे से पौधों की दूरी 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 30 सेंटीमीटर रख के बुवाई कर सकते हो। दोस्तों, बाजरे की फसल कम सिंचाई से भी अच्छा पैदावार देती है, पर जायद फसल में जमीन में नमी के हिसाब से 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। बाजरा में खरपतवार नियंत्रण के लिए हल्का निराई गुड़ाई करके खरपतवार हटाना चाहिए। अब बाजरे में रोग और कीट के बारे में बात करते हैं। बाजरे की फसल में कीट में इल्ली का प्रकोप और रोग में डाउनी मिल्ड्यू का नुकसान होता है।
इल्ली के नियंत्रण के लिए इमामेक्टिन बेंजेट 5% SG 12 ग्राम प्रति पंप या फिर इल्ली का प्रकोप ज्यादा दिखाई दे तो क्लोरेंट्रा निलीप्रोल 18.5% SC 5 मिली प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर सकते हो। और डाउनी मिल्ड्यू, पाउडर मिल्ड्यू या झुलसा रोग की समस्या दिखे तब कार्बेंडिज्म 12% प्लस मैनकोजेब 63% WP 35 ग्राम प्रति पंप या फिर टैब्यूकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG 30 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव कर सकते हो। बाजरे की फसल 80 दिन से लेकर 110 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। बाजरे की कटाई आप हाथ या मशीन से कर सकते हैं। अगर आप बाजरे का हरे चारे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो तो इसके पहले कटाई 40 से 45 दिनों में कर लेनी चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी साबित होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों के साथ ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये वीडियो द्वारा जानकारी मिल सके। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। धन्यवाद। ऐसी सारी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपको इस वीडियो में दिखाई गई माहिती में कोई समस्या हो या फिर आपकी खेती में कोई परेशानी हो तो आप हमें स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर पर हाई लिखकर समस्या बताएं, जिससे हमारी टीम आपको संपर्क करेगी और आपकी समस्या का समाधान देगी और हम प्रयास करेंगे कि हमारा अगला वीडियो आपकी समस्या पर हो। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।